हर्षोल्लास के साथ पढ़ी गई ईद की नमाज, देश में अमन व शांति के लिए मांगी दुआएं। बता दें कि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल अजहा पूरे देश में अमन व शांति के साथ धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने नए कपड़े पहनकर तथा रंग बिरंगी खुशबू के इत्र लगाकर ईदगाह की तरफ रुख किया और एक साथ हजारों लोगों ने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद सभी ने एक साथ मुल्क में अमन व शांति की दुआ मांगी गई। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी और बाद में टोलियों में घर घर जाकर एक दूसरे के घर अलग अलग तरह के व्यंजनों का जायका लिया। ईदगाह में मौलाना जहीर अहमद बलाई ने ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। इस दौरान ईदगाह का नजारा देखने लायक था। ईदगाह में छोटे बड़े बुजुर्ग हजारों की संख्या में एक कतार में खड़े हुए और सभी ने एक साथ नमाज पढ़ी। उसके तुरंत बाद दुआ मांगी गई, जिसमें मुल्क और बेहतरी के लिए व अमन व शांति के लिए खास ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा है कि उस जानवर की कुर्बानी करें जो कानून इजाजत देता हो। बकरीद के मौके पर साफ सफाई रखें, गंदगी ना फैलाएं। मेवात में आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए कोई भी ऐसी कुर्बानी ना करे जो कानून इजाजत ना देता हो। ईद उल जुहा की नमाज पढ़ने का अवसर दिया गया, जहां अमन व भाईचारे की दुआएं मांगी गई, जो एक दूसरे ने गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई और नमाज के बाद एक दूसरे के घर टोलियों में जाकर अलग अलग व्यंजनों का जायका लिया। बच्चों को बड़ों ने ईदी का उपहार भी दिया तो बच्चे भी बेहद खुश दिखाई दिए, तो वहीं महिलाओं ने भी पूरा श्रृंगार किया। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की नमाज जो वाजिब है ईद उल अजहा, ये बड़ी खुशी के साथ अमन अमान के साथ मनाई गई है। ये मुसलमानों का त्योहार है जो ये सबक देता है कि मुसलमान को, मोमिन को अल्लाह के लिए अपनी जान माल कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ताला से जो है जी नहीं चुराना चाहिए। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की निशानी है कि अल्लाह ताला से वो बंदा मोहब्बत करता है। और संदेश हमारा यही है कि ईमान वाले जो है आपस में मिलकर इत्तिफाक इत्तिहाद से रहें, कहीं भी हो, घर में हो, जंगल में हो, मस्जिद में हो या शहर के अंदर हो, मोहब्बत के साथ में, प्यार के साथ में मिलकर इत्तिफाक के साथ में रहें, आपस में बैर और दुश्मनी ना रखें। आपने किस तरह से अपील लोगों से की है, किस तरह से कुर्बानी करनी चाहिए, क्या करना है? मालदार लोगों को कुर्बानी करनी चाहिए, जिन जानवरों की, जो पालतू जानवर हलाल हैं उनकी कुर्बानी करनी चाहिए, जिन जानवरों की कुर्बानी मना है हमारे देश के कानून में उस जानवर से बचना चाहिए, हमारा यही कहना है। क्योंकि इसमें फितना फसाद का डर है, इसलिए फितना फसाद से बचना चाहिए। ऐसी नेकी अच्छी नहीं है, वो नेकी नहीं है जिससे फितना फसाद फैले। जी, बकरीद का त्योहार खुशी है इस बात की कि जिन पैगंबरों ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी पेश की थी, अल्लाह ताला ने हमसे उनके बजाय जान के बदले के जो है जानवर की कुर्बानी कबूल फरमाई, इंसान की कुर्बानी के बजाय जानवर की कुर्बानी कबूल फरमाई और हमारी जान बख्शी की हमारे बेटों की। इसलिए अल्लाह ताला ने जो है उसके शुक्राने में हम जो अल्लाह ताला के लिए नमाज ईद उल अजहा अदा करते हैं। मैं जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर सभी मुसलमान भाइयों और दूसरे हम सब साथी हैं जिनके जिनके बीच में हम सब अमान से रहते हैं, उन सभी से ये गुजारिश और उम्मीद करूंगा कि भाईचारे का पैगाम वाला ये त्यौहार है, इसमें ये त्यौहार अमन व अमान लेके आए, हमारे मुल्क में शांति अमन की बहार बहें, एक दूसरे का जो नफरत का मन है उसको दूर कर दें और एक दूसरे के साथ गले मिल करके इस त्यौहार को बहुत अच्छे ढंग से मनाएं। और क्योंकि ये बकरीद का त्यौहार है, इसमें मुसलमान भाई कुर्बानी का कार्य करते हैं, तो मैं उनसे भी उम्मीद करूंगा कि कुर्बानी का कार्य इस ढंग से करें जिससे भी हमारा कोई पड़ोसी भाई या दूसरा कोई भाई है उसको हमें उसको मन में कोई मुटाव, मैल, द्वेष भावना उसके अंदर पैदा ना हो। तो मैं इन शब्दों के साथ सभी मुसलमान भाई से उम्मीद करूंगा कि हमारे साथ इस त्यौहार मनाएं। ईद का त्यौहार मनाया गया है, क्या कहना है?
अस्सलाम वालेकुम सर, आप सभी को ईद मुबारक। ईद का त्यौहार आज बहुत ही शांतिपूर्वक मनाया जा गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम जो एजुकेशन में बहुत ही पाछे है, एक कहा भी जाता है कि जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ वही कौम आज तालीम और तरक्की में पाछे है। ईद की नमाज का मेरी तरफ से सभी मुसलमान भाइयों को ये संदेश है कि वो ज़रूर से ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ाएं और इल्म और तरक्की में आगे बढ़ें, क्योंकि अगर किसी समाज को बदलना हो तो उसका सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उस कौम में एजुकेशन को बढ़ाया जाए, शिक्षा को बढ़ाया जाए। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो ये पॉलिटिशियंस, ये राजनेता लोग हमारा ऐसे ही शोषण करते रहेंगे। और मैं यही अपील करना चाहूँगा बार बार लोगों से कि वो एजुकेशन को बढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, जहाँ एक वक्त की रोटी कम खिलाएं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। धन्यवाद।